हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेलवे ALP की महत्वपूर्ण सूचना कि 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा। भर्ती बोर्ड जुटा संशोधित परिणाम की तैयारी में 64,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। अजमेर रेलवे की सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन वर्ग की मुख्य लिखित परीक्षा में देश के लगभग 7 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के माध्यम से 64,371 पद पर भर्तियाँ की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 नवंबर को सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन वर्ग की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था, लेकिन उत्तर कुंजी में गलतियां होने और शिकायतें मिलने के बाद परिणाम को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया है। देश के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड ने में फिलहाल संशोधित परिणाम तैयार करने की मशक्कत की जा रही है। कट ऑफ पार नहीं कर पाए कई अभ्यर्थी। रेलवे द्वारा पूर्व में जारी परिणाम में टेक्नीशियन वर्ग की अधिकांश कोटियों में अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क भी हासिल नहीं कर पाए थे। इस कारण मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित 1:15 विद्यार्थी की संख्या कम रह गई थी। भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार नए सिरे से जारी परिणाम के बाद संभवतः अनेक अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क के दायरे में आए जाएंगे। अनुमान के अनुसार नए परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 7 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मुख्य परीक्षाएँ 24 दिसंबर से प्रारंभ होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।